सो हेलो गाइस, वेलकम बैक द न्यू वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च डेट, ट्रेलर लॉन्च या फिर गेम आने का वक्त कौन सा, टाइम कौन सा, क्या कौन सा, क्योंकि एग्जैक्टली गेम जो डालने वाले हैं उनको और ऊपर वाले को, दोनों को ही पता है कब आने वाला है, हमको कुछ पता नहीं। पर जो लोग एनालिसिस पे बताते हैं, जो लोग हिंट देते हैं, कोई कोई तो कुछ भी बोल लेता है, वो उनका कुछ पता नहीं। मैं जो बताने वाला हूँ वो मैंने पीछे जाकर देखा है, जो मतलब मैंने भी एनालाइज निकाला है कि प्रेडिक्शन किया है कि ऐसा हो सकता है और बहुत सिमिलर हो सकता है। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि ये चीजों से मैंने बोला हूँ शायद, मतलब मुझे लगता है कि 75% यही होगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं, वीडियो को एक बार स्टार्ट कर लेते और सोचते। ओके स्टार्ट। तो पहले तो एक बात बताना चाहूंगा, देखो वीडियो आप देख रहे हो, डिसलाइक मत करना, आप चाहिए तो लाइक भी मत करो। जब भी ये मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ या सच जो भी होगा, उसके बाद फिर से आना और लाइक करके और कमेंट करके जाना। पहली बात, लोग जो बताते हैं कि पहले डायनोवो ने शुरुआत की थी, डायनोवो ने एक बार बोल दिया था कि अप्रैल के डबल डिजिट और मई के सिंगल डिजिट में पहले ट्रेलर और बाद में गेम आ जाएगा। मतलब वो लोग सिंगल डबल सीट ऐसा कुछ बोल रहे थे, सोशल मीडिया भी अभी बोल रहे थे बीच में, कल या परसों के दिन, आज एक तारीख है फर्स्ट में, तो बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है डबल सीट सिंगल डिजिट में आएगा, वो पता नहीं क्योंकि बीच में पबजी वालों ने गलती से या फिर जानबूझ के जो ट्रेलर पुराने वाले ही लॉन्च किए थे, तो एग्जैक्टली उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। हाइप भी हो सकती है या फिर कुछ अलग ही सीन हो। तो बहुत लोग, अभी मैं देख रहा था सपोर्ट कर देखा, तो बहुत लोगों ने एक तारीख का डाले, एक तारीख को ट्रेलर आ रहे हैं या लॉन्च हो रहे हैं। अभी मुझे मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, शायद जो हाइप उन्होंने क्रिएट की वो इसीलिए क्रिएट की थी कि हम ट्रेलर और गेम एक साथ लॉन्च करेंगे, शायद। ये मुझे पक्का मतलब नहीं, पर क्योंकि देखो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है पबजी मोबाइल, इतनी बड़ी गेम है, इतने बड़े उनके क्रिएटर रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे कि एक ही ट्रेलर गलती से लॉन्च करें फिर से एक बार। ये हाइप ही होगी जो आपके लिए क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम गेम अपलोड करें या फिर ट्रेलर अपलोड करें, क्योंकि दोनों चीज एक साथ अपलोड करनी होंगी, तो इसीलिए हाइप थोड़ी सी क्रिएट करनी, क्योंकि चैनल की तरफ खींचने की, क्योंकि जैसे ट्रेलर आएगा तो लोग चैनल की तरफ बढ़ जाएंगे और चैनल के हिसाब से, ट्रेलर के हिसाब से डायरेक्ट आप लिंक पे जाकर गेम डाउनलोड करके फिर से खेलना शुरू करेंगे। वैसे भी खेलने ही वाले, पर थोड़ी एक और हाइप क्रिएट करने की गलत थी। दूसरी बात, लोग बोल रहे हैं कि एक तारीख को आज, मतलब आज ही गेम लॉन्च हो जाएगा, और क्या ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा, गेम थोड़े दिन बाद आएगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा समझा और जाना, थोड़ा पीछे गया। जब भी पीछे जाने की वक्त ऐसा था कि मैंने देखा कि पबजी मोबाइल के जो अपडेट्स आते हैं वो कौन से डेट में निकलते हैं, पबजी मोबाइल का रॉयल पास कौन से डेट में निकलता है, कोई कोई चीज जो अनाउंस होती है या कुछ अलग चीज होती है वो कौन से डेट में पबजी वाले अपडेट करते हैं। क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि लोग एक डेट से हिसाब से चलते हैं, उनकी फेवरेट या फिर एक डेट के हिसाब से, या फिर डेट पिछले वाले डेट से अगले वाले डेट का गैप हिसाब से चलते। तो सॉरी, तो ऐसा था, तो मैंने देखा, यह देखते देखते मुझे एक बात पता चली कि लास्ट ईयर जब भी पबजी बैन हुआ था वो डेट आपको पता ही होगी वो कौन सी डेट है, क्योंकि सबको पता थी पबजी मोबाइल डेट कौन सा दिन था वो जो बैन होने वाला था। जो वो डेट और आने वाली डेट सिमिलर हो सकती है, क्योंकि जिस दिन गई थी वो तारीख थी सितंबर 2022, मतलब 2 सितंबर 2020। और जो हाइप बन रही है, जो हाइप बनने वाली है, वो जो लोग 1 मई बोल रहे हैं वो शायद 2 मई हो जाए, और 2 मई को गेम और ट्रेलर एक साथ लॉन्च हो जाए। ये प्रिडिक्शन मैंने क्यों की, क्योंकि बैन जब जिस तारीख की हुई थी और हाइप भी उसी दिन में बन रही है, अभी आने वाला डेट जो 30 तारीख को कोई बोल रहा था लात को लॉन्च हो जाए, अभी कोई कोई बोल रहा है 1 तारीख को, तो 1 तारीख को वो क्यों लॉन्च करेंगे, 30 तारीख को क्यों लॉन्च है, उनके पास 2 तारीख है जिस दिन उनकी गई थी। महीना अलग है, महीना वो नहीं है, मंथ वो नहीं है, पर शायद 2 तारीख। और कल ओशन गेमिंग जो गेमिंग्स प्रो गोशन जो है वो लाइव आए थे, और वहां पे ना बहुत लोग अलग अलग डेट स्पैम कर रहे थे। मैंने तकरीबन कुछ
रिकॉर्डिंग नहीं थी, तकरीबन मैंने कुछ 10 या 15 बार 2 तारीख बोली, क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाने के लिए भी सोचा था, क्योंकि शायद थोड़ा देखो मैं कल से ही सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने उनके जाके बोला, तो वो मेरे को डायरेक्ट नहीं बोले, पर वो लोग बोले कि कुछ लोग स्पैम कर रहे वो डेट ही है, मतलब बोले कि हाँ कुछ लोग ने बराबर प्रिडिक्ट किया है कि कौन सी डेट होगी, पर वो किसी को पॉइंट नहीं किया, और स्पैम तो मैंने भी बहुत 10-15 बार किया कि 2 तारीख है क्या, 2 तारीख #2 लिखा कर 2 में लिखा था। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ, यही मैं बता चुका हूँ कि शायद 2 तारीख को ये हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 तारीख को सितंबर की गेम बैन हुआ था। वैसे देखो रॉयल पास आने वाला है 17 मई, और देखो अपडेट उनका एक मंथ टू मंथ अपडेट जाता है, लास्ट अपडेट जब ये आया था 2020 में मई में, वो तारीख था 7 मई, 7 मई को एक पबजी मोबाइल का अपडेट आया था, उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें थी जो इंडिया के रिलेटेड थी, मतलब वो टाइम पे गेम था अपने पास, पर वो इंडिया में कुछ चेंजेस थे उसमें, इंडिया के लिए कुछ तो था वहाँ पे, आई थिंक टूर्नामेंट का सीजन था या कुछ पता नहीं, पर 2020 मई 7 मई को कुछ तो था। तो मई का जो मंथ है उस हिसाब से, और ये देखो अभी एग्जैक्टली मैं मुझे ना 2-3 डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, जैसे कि अभी 2 मई को शायद गेम और ट्रेलर एक साथ लॉन्च हो जाए, या फिर 2 मई को ट्रेलर आ जाए, पता नहीं आज 1 तारीख के रात के 12 बजे तक भी आ सकता है। फिर सेकेंड थिंग सोचेंगे तो देखो 10 और 17 के बीच शायद गेम आ जाए, या फिर 17 मतलब और 2 और 10 के बीच में ट्रेलर का थोड़ा सा घुमाना हो सकता है। पर जिस हिसाब से उन्होंने जो हाइप क्रिएट की, जिस हिसाब से मैं पहले बोला कि इतनी बड़ी कंपनी क्यों ऐसा करेगी कि गलती से कोई अपलोड कर जाए, ऐसा तो नहीं होगा, गलती से कोई अपलोड नहीं करेगा, उसको हाइप बोलते हैं जो क्रिएट करनी चाहती थी, क्योंकि देखो इतनी बड़ी लोग है, 2 सेकंड के लिए भी करते या 10 सेकंड के लिए भी वो अपलोड करके प्राइवेट करते, लोगों को बहुत लोगों को पता चलता है, वो हाइप होती है, और प्राइवेट करना मतलब और ज़्यादा जनरेट करना कि क्या 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 क्या, क्या था। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि 2 तारीख को गेम और ये आ सकता है। अभी मैं कितना परफेक्ट हूँ या नहीं वो तो अभी आने वाला टाइम ही बता जाएगा कि क्या सीन था, बस इतना ही बताना चाहता था कि ये सब कुछ हो रहा है, देखो सब लोग अपना अपना प्रेडिक्शन बता रहे, तो मैंने भी बोला कि चलो वैती गंगा में हम भी हाथ धो ले बता ले, तो प्लीज डिसलाइक और लाइक के बारे में मत पढ़ो, नहीं करोगे चल जाएगा, जैसे ही गेम आती तो उसके बाद आप डिसाइड करके बताओ, मैं कुछ गलत नहीं बता रहा, जो हुआ है हुआ था उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे एंड करते हैं, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर, देखते कौन से जब भी आए जल्दी आए, अब शहर नहीं होता वेट नहीं होता, तो आ जाए बस 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 आ ही जाए और बस खेलना ही हमको। तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर योहानी सिंह गेम प्ले, बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं।